लोग 60-70 हजार रुपए बाद जमीन ले रखी है, उनका तो नाश ही हो गया। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलात आया हूँ रुखी गांव में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणदीप मलिक और अपना ना जी, और सरपंच जी हैं रुखी गांव के राजमल सरपंच जी। राजमल सरपंच जी ने क्या कार्य करवाए हैं समाज सेवा के, अब सरपंच बन चुके हैं, क्या कार्य करवाने जा रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और जानी मानी हस्ती हैं रणदीप जी और चेहरा बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या इनकी पॉलिसी है इसके बारे में इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार रणदीप। नमस्कार जी। रणदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप किन किन पॉलिसी को लेकर मैदान में उतरने वाले हो और क्या कार्य करवाने जा रहे हो और समाज सेवा के क्या कार्य करवा चुके हो। सबसे पहले तो ये है, जो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है ना, पोर्टल बंद करेंगे किसान योजना के तहत, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। कुछ किसान इतने परेशान हैं, पढ़े लिखे तो हैं कम, वो खेती में करें या इस पोर्टल के पीछे पड़े रहें। कभी पोर्टल खुलता है, कई कई महीने पोर्टल बंद रहते हैं। ये पोर्टल योजना सबसे पहले बंद करेंगे भूपेंद्र हुड्डा जी सरकार आते ही। ये कहना चाह रहे हो किसान परेशान हो चुके हैं इससे? बहुत ज्यादा परेशान नहीं, आज से ज्यादा परेशान है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मांग लेते, किसान को ज्ञान नहीं होता, फिर आगे फसल नहीं खरीदते। वो पोर्टल ही नहीं खुलता, पोर्टल ही नहीं खुलता, साइड ही बंद हो जाती है, सब कुछ बंद रहता है। तो सबसे पहले हुड्डा जी इसको करेंगे, पोर्टल योजना को बंद, जो कि किसान इतना परेशान है। किसान से ही तो हर चीज चलती है, किसान को अपना खेत की तरफ जाए या इस योजना में घुसे रहे या पोर्टल नहीं खुलते, कौन जाए शहर में? अगर जो इन्हें पोर्टल योजना शुरू करी है तो गांव के साथ एक एक आदमी बैठा होना है, पोर्टल योजना ऐसे को लगे रहा सबका करके देंगे, तो नहीं को कार्रवाई। पोर्टल ही नहीं खुलता, साइड ही नहीं खुलती है, बंद ही रहती है, इसी वजह से ज्यादा परेशान होगा ना। अब बहुत ज्यादा जमींदार आ गए हमारे गांव में ही देख लो, इतना पानी है, 10-10 फुट पानी है हमारे गांव में, किश्ती तक चली है, लेकिन सरकार सुना ही नहीं करती। अब भी नहीं निकल रहा। आगे गेहूं बोना है, जो दिसंबर जनवरी में गेहूं बोना है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अफसरों के बार बार जा रहे हैं, भाई है मेरा छोटा भाई है सरपंच, बार बार कोशिश कर रहा है इसके लिए। अगर गांव में पानी तो कम से कम निकले, पानी नहीं निकल पा रहा है। दो दो पंचायत से मोटर लगा दी, अपनी तरफ से मोटर लगा रहे हैं, गांव ने इकट्ठा हो गए और वो कर दिया। वह हर पानी में एक आदमी दिन में, एक आदमी रात को देंगे, फिर भी वो पानी नहीं निकल रहा। कभी लाइट नहीं आ रही, कभी ट्रांसफार्मर फूक गया, लेकिन वो पानी नहीं निकल पा रहा। प्रधान जी, मतलब प्रशासन सहयोग कर रहा है कुछ इस बारे में? हाँ, प्रशासन कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है। अच्छा जी। अगर प्रशासन पूरा कहते है चीज मांगे, हमने वर्मा मांगते मांगते आज एक महीना हो गया, एक महीने में कल आया है वर्मा, मतलब पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा। पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है। अब भी 7-8 फुट पानी खड़ा है। दो जनरेटर चल रहे थे वो इंजन वाले, उनका तेल नहीं दे रही ना, कल बंद थे, परसों बंद थे और आज भी बंद है। जैसे पानी की बात बताया आपने, 5-6 फुट पानी खड़ा है, कितने एकड़ में होगा लगभग? जैसे गाँव के चारों तरफ की बात नहीं, लगभग 300-400 एकड़ जमीन, 300-400 एकड़ जमीन में पानी है। आज अफसर आज इंक्वायरी कर रहे हैं, लोग 60-70 हजार रुपए बाद जमीन ले रखी है, उनका तो नाश ही हो गया। 9 साल में ऐसी कोई काम करके दिया है सरकार ने जो कहने लायक हो? पक्की भर्ती करनी चाहिए, पक्की भर्ती तो छोड़ो, और भी कुछ नहीं किया ऐसा कोई 9 साल में। बार बार आते हैं खबर, रोज IMT बढ़ रही है, ये और है, बताओ कौन सी IMT बढ़ रही है? भूपेंद्र हुड्डा ने बार बार कहा है, जो हुड्डा साहब काम करके गए थे ना, वो उसके बदले जाए एक भी काम कर रखा है उन्होंने, कोई भी काम बता दो आप, 5 काम गिनवा दो इस सरकार में 9 साल में, 5 काम ये किए इन्होंने। भूपेंद्र हुड्डा CM खट्टर साहब ने रेलवे लाइन लाया था, इन रेलवे ही बेच दी, हद हो रखी है इनकी। भूपेंद्र हुड्डा ने इतनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, रोड, इतना काम करा विकास, इन सब कुछ बेचने का काम किया, सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया, और क्या छोड़ दिया इन्हें। अब अगली सरकार हुड्डा साहब की आएगी, हुड्डा साहब इसी को ठीक करने में गुजर जाएंगे टाइम। भूपेंद्र हुड्डा ने स्कूल में 9 साल पहले काम किए थे, बहुत गणे, बहुत अपनी 10 साल की सरकार में इनने एक ईंट भी नहीं लगाई है, 9 साल में एक ईंट भी नहीं लगाई। सरपंच साहब, जैसे आपके गांव में शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा बात चल रही है, तो आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? कैसी क्या, कुछ भी नहीं, टीचर है कति जरज, टीचर है टीचर पूरे नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं जिससे बालक बढ़ जाए, एडमिशन नहीं देते, ये सोच रहे हैं कि इनको बंद कराया जाए स्कूलों को किसी भी तरीके से। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने प्रयास किए हैं? सरकार की प्रयास तो हमने बहुत किया है, लेकिन
ये सुविधा तो कुछ भी नहीं दे रहे स्कूल को। हाँ। जो बिल्डिंग है वो इतनी ज्यादा दर्ज हो चुकी है, आप पूछो मैंने, और वो स्कूल वाले क्या सरपंच को कोई सरपंच का अधिकारी खोज रखे इन्होंने, स्कूल में काम करने का अधिकारी खोज लिया इन्होंने, बिल्कुल सरपंच का तो सरपंच को तो चोर मान रहे हैं, सरपंच को देखो ये चोर मान रहे हैं, ई टेंडरिंग वाले को सही मान रहे हैं। जब एक हमारा नाला 35 लाख में ई टेंडर में होया पास, अरे भाई ने 4.5 लाख में पास करा दिया, साफ करा दिया, कहाँ 35 लाख और कहाँ 4.5 लाख, आप ही सोचो। हाँ, पैसे की बर्बादी, पैसे की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी, 35 लाख में सब बर्बाद होना था, पंचायत का पैसा 35 लाख चला जाता, ये 4.5 लाख पास नहीं करके दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने कमीशन नहीं मिला। सरपंच कोई भी काम करेगा तो गांव समाज के अंदर रहेगा ईमानदारी से, कल ना कोई गलत काम हो भी जाता है तो सरपंच ने गांव के बीच में ही तो रहना है, ये टेंडरिंग वाले क्या करके निकल जाते हैं पीछे से, कुछ भी हो जाओ काम बुराई सरपंच को मिलेगी, बुराई सरपंच को मिलेगी, अगर सरपंच काम करवाता है तो ये टेंडरिंग वाला रोकने का निकल जाएगा, काम करके निकल जाएगा, ढूंढते रहो उसको। आपके रुखी गाँव में जो ग्रांट है कितनी आई है अभी तक? कुछ भी नहीं, एक बार FFC की आई थी वो भी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि कागजों में जा रहे हैं, कल भी मीटिंग ले रहे थे, किसी भी हमारे गांव में हमारे ब्लॉक में 35 सरपंच हैं, मैं वहां प्रधान हूँ, 35 सरपंचों का एक ने भी अगर उसमें दे एक पैसा भी FFC में दे या SFC में दे निकाला हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। कल सब ने क्या कारण प्रधान जी निकल क्यों नहीं पा रहा पैसा, क्यों नहीं निकल? कागजों में जा रहे हैं, ईंटों का रेट 6400 रुपये दे रहे हैं, ईंट हो रही 8500, सीमेंट का कट्टे का रेट 610 रुपये हो रहा है, वो दे रहे हैं 250 रुपये। अच्छा जी, JCB का भी कम दे रहे हैं, हर चीज का कम दे रहे हैं, एक बार हम दिखावा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं काम करो, लेकिन काम कैसे करें, 410 की चीज 250 रुपये में मिल रही, 250 रुपये में कौन दे देगा हमारे को सीमेंट? ये तो सरकार खुद लेके दो ये सामान, ईंट सीमेंट जो सामान है वो खुद लेके दो ना सरकार में सरपंच को, या हमारे को बता दे इस जगह से मिलेंगे तुम्हारे को 250 रुपये की सीमेंट, हम वहीं से ले लेंगे, लेकिन परेशान कर रखा है, तो ये बता दे 6400 की भाव की वहाँ मिलेंगी, हम वहाँ से ले लेंगे, लेकिन मिलती कहीं नहीं, उन जाके रख दिया, ये वो काम कर दिया, अब सामने खाना रख दिया खाओ, और उस पर पैकिंग कर दीजिए, सील सटील से पैक कर दिया, देख सकते हो खा नहीं सकते हो, कुछ तो काम ऐसा होना चाहिए जो सरपंच के लिए करने लायक हो, जो रेट आम रेट चल रहा है या तो अपना रेट बना ही, जो अपना शेड्यूल बना है रेट का, उस रेट से दिलवाओ ना, बिल्कुल जी दिलवाई नहीं रहे उस रेट से, ना तो वो रेट से जो देना चाहिए है, अरे जी 8500 की ईट से दिलवाओ ना, 1864 की ईट, इसका मतलब ये कि मतलब जितना सरपंच जितना हिसाब से काम करवाएगा तो अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, कहने के लिए है सरपंच काम कराएगा, सरपंच का ऐसा रास्ता बंद कर दिया है, इतना डाउन रेट दे दिया है, इस रेट में कराओ, इस रेट में होएगा नहीं, अरे ये मना भी नहीं करते, अगर हमने तो कर रखा है भाई अपना, करो कार्रवाई, कहाँ से करे, जो चीज का रेट ही नहीं है, मिलने लायक रेट ही नहीं है, वो रेट का इशू कर दिया, ये पीछे एक लोड़गा सरपंच DC 3-4 बार विज्ञापन दिया उन सभी सरपंचों ने मिलकर रोते हुए, अगर रेट को तो ठीक करो, या उस रेट में हमारे को सामान दिलवाओ, सामान कहीं मिलता ही नहीं, अगर इन चाहिए सरपंच कहने को ये कह देते हैं, अगर सरपंच काम करो, हमने फल छूट दे दिए, 5 लाख कर दिए ना अभी सरपंच के, 5 लाख कर दिए, वो भी इतने और जा दिए अखबारों में कटवाओ, ये करो वो करो, अब एक करीब 6 महीने तो उसके कागजों में पूरी होगी जब वो 5 लाख रुपए में काम करेगा। एक योजना ले ही है, अगर सरपंच काम नहीं करवाता तो MLA उस पंचायत के ग्रांट से पैसे निकलवा सकता है, MLA के कहने से काम करेंगे नहीं, एक और योजना ही है 2 दिन से, MLA खाते से ग्रांट से पैसे निकाल सकता है, MLA पीछे काट देगा, अपने काम करने नहीं दे रहे। परिवार पहचान पत्र में क्या क्या काम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, परिवार पहचान पत्र जो है फैमिली ID बना दी ना, इससे बड़ी परेशानी तो किसी को है ही नहीं, मतलब इनका एक ही काम है, इतने कागज बनवा दो कागजा मोड़ दे रहो, आदमी घूमते रहो परेशान हो गए, एक किसान है, किसान ये कार्रवाई करे या अपना खेती संभाले।